नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। चलिए तो आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 65 और क्लास 65 में आप पढ़ रहे होंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जैसे वॉइस आपकी दो तरह की होती है, तो वॉइस में आपने एक्टिव और पैसिव पढ़ा, तो यहाँ आज क्लास में हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो क्लास नंबर 65 बैच आपका SSC GD, जो आप 90 क्लास में आपका सपना क्या होगा पूरा होगा। चलिए तो हम शुरुआत कर रहे हैं अपने क्लास की। देखिए अब जो आपकी एक्टिव और पैसिव वॉइस की क्लास है, इसमें आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ रूल्स हैं, जैसे कि मतलब आपके प्रेजेंट में आप क्या यूज करते हैं, पास्ट में क्या यूज करते हैं, अगर थोड़ा सा बताएं तो। जैसे मान लो कि अगर आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है तो आप क्या यूज करते हैं उसमें, ठीक है। पास्ट होता है तो कौन सी, यानी कि हम बी की फॉर्म ही तो पढ़ते हैं पूरे पैसिव वॉइस में, बी की फॉर्म पढ़ते हैं। बी की फॉर्म में क्या पढ़ते हैं, हम इज पढ़ते हैं, एम पढ़ते हैं और आर पढ़ते हैं और वॉज और वर, ठीक है। और इसके साथ साथ एक खुद बी पढ़ते हैं। तो हम ये छह चीज़ें ही तो हैं आपके पूरे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। क्या एक तो ये इज एम आर और वॉज वर और बी और एक इसके साथ वी थर्ड, बस इतना सा आपको पढ़ना है इनके बारे में और पूरा पैसिव क्लियर, ठीक है। अब दूसरी बात ध्यान क्या रखनी है आपको, दूसरी बात ध्यान ये रखनी है कि आपका SSC मोस्टली क्या करता है कि कभी आपका एक्टिव देता है तो कभी पैसिव। मतलब आपको ध्यान रखना है आपकी जो स्टेटमेंट यहाँ दी गई होगी, ठीक है, यहाँ या तो सीधा सीधा दिया गया होगा कि आपको पैसिव बताना है, या आपको सीधा सीधा कहा जाएगा कि आपको एक्टिव बताना है, या फिर आप में ये छोड़ दिया जाएगा, आपको खुद ढूंढना है कि एक्टिव है या पैसिव है। जैसे इसमें ये लिखा हुआ है कि अ सेंटेंस हैज़ बिन गिवन इन द एक्टिव और पैसिव वॉइस, मतलब जो आपको सेंटेंस है या तो एक्टिव में दिया गया होगा या पैसिव में दिया गया होगा, और एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव या एक्टिव। इसमें सेम यह कहा गया है कि या तो उसको आप एक्टिव बनाइए या उसको पैसिव बनाइए आंसर। इतना आपको गौर देना है, मोस्टली आप यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एक्टिव पूछा है या पैसिव पूछा है। तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना है, ठीक है। अगर वहाँ ये कहते हैं कि एक्टिव या पैसिव दोनों का देता है, तो आप फिर यहाँ कमांड करेंगे, यहाँ गौर देंगे, ठीक है। चलिए तो हम बात करेंगे अब यहाँ, चलिए अब जैसे यहाँ है आपका दे आर बींग बीटन बाय मॉस्किटोज ऑल ओवर। तो क्या दे आर बींग बीटन बाय मॉस्किटोज ऑल ओवर, ये है क्या एक्टिव है या पैसिव। अब यहाँ यही तो बोला गया है कि या तो ये एक्टिव है या पैसिव है, जिसको आपको पैसिव या एक्टिव बताना है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि एक्टिव है या पैसिव है। एक्टिव पैसिव की पहचान क्या होती है कि आप इजमार और क्या बोला था वॉज वर, उसके बाद वी थर्ड यूज करते हैं आप, इसके साथ आप क्या है? अगर इज कंटिन्यूटी में है तो आप बींग यूज करते हैं, उसके साथ बीन यूज होता है आपका, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ देखें तो दे आर बींग बीटन बाय मॉस्किटोज ऑल ओवर, तो यहाँ देखिए आर भी है आपका और बींग भी है, तो आपका ये क्या है, ये है पैसिव। अब हमको इसको बनाना है एक्टिव में, हमें क्या बताना है इसका एक्टिव बनाना है। तो एक्टिव कैसे बनाएंगे, देखिए जब आप रूल्स पढ़ते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आप एक्टिव में सब्जेक्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं सब्जेक्ट बनाते हैं, और जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको आप पैसिव में क्या बनाते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यही तो पूरी कहानी है कि आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। देखिए दे आर बींग बिटन बाय मॉस्किटोज ऑल ओवर, यहाँ किस को काटा जा रहा है, देखो मॉस्किटोज बिटन कर रहे हैं ऑल ओवर, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले आना क्या चाहिए, मतलब सब्जेक्ट आएगा यहाँ सबसे पहले, क्या होता है यहाँ होना है सब्जेक्ट आता एक्टिव में, तो जो ऑब्जेक्ट होगा बाय मॉस्किटोज ऑल ओवर ये आपका क्या होगा, ये आपका सब्जेक्ट था एक्टिव में, तो मॉस्किटोज आपका पहला वर्ड, पहला स्टेप शुरू होता है जो सारे ऑप्शंस में है। इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ आर बींग है, आर बींग का मतलब ये कंटिन्यू
सेंटेंस में होगा, यानी कंटिन्यू कोई टाइमिंग होगी उसमें, और आर है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा। क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा। तो मस्किटोज आर बिटिंग किसको? देम, ऑल ओवर। ठीक है, यहाँ देम है, ऑब्जेक्ट है ये, और ऑब्जेक्ट का जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो सब्जेक्ट के लिए आप यूज करेंगे यहाँ दे, तो आप देखेंगे यहाँ दे आ रहा होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करेंगे, अगला देखते हैं। आगे भी वही सेम कहानी रहेगी, आपको यही ढूंढना है कि आपको एक्टिव दिया गया है या पैसिव दिया गया है। ठीक है, चलिए। द पीपल रिकार्डेड हिम एज एन इम्पोस्टर एंड कॉल्ड हिम अ विलन। चलिए अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ ये पैसिव है या एक्टिव है। द पीपल रिगार्डेड हिम एज एन इम्पोस्टर एंड कॉल्ड हिम अ विलन। यहाँ ये आपका एक्टिव है, ना तो हम इज एम आर वॉचवर का ऐसा कुछ पता चल रहा है, ना कोई बी की फॉर्म की पता चल रही है, तो ये आपका क्या है? ये है आपका एक्टिव, और इसको हमें बनाना है पैसिव। क्या करना है? एक्टिव से पैसिव जाना है। तो पैसिव के लिए क्या, पहले यहाँ देखिए, ये है आपका वी टू। क्या यूज हुआ है? वी टू, और वी टू में हम क्या यूज करते हैं? वॉज। क्या यूज करते हैं? वी टू में हम यूज करते हैं वॉज। ठीक है, अब देखते हैं, अगर पहला देखें तो पहला यहाँ क्या है? इज। तो हमने ये ऑप्शन गलत कर दिया क्योंकि आपका वॉज होना चाहिए था, तो यहाँ भी वॉज है। अब इन तीनों ऑप्शन को देखते हैं। द पीपल रिगार्डेड हिम एज एन इम्पोस्टर एंड कॉल्ड हिम अ विलन। किसको किसको कहा गया? ही को कहा गया है, ही के बारे में कुछ कहा गया है, मतलब हिम के लिए। तो यह सब्जेक्ट जो होगा वो आपका ही होगा, चार ऑप्शंस में है। ठीक है, पहले हम ऑप्शंस को गलत करना सीखेंगे कि मतलब ये गलत क्यों है। तो पहला आपका बी ऑप्शन तो गलत है क्योंकि इज की वजह से, क्योंकि यहाँ वी टू यूज है, वी टू की वजह से हम क्या यूज करते हैं? वॉज। चलिए ही के बाद आप क्या यूज कर रहे हैं? वॉज, सब में वॉज है। रिगार्डेड, वी की थर्ड फॉर्म। क्या होगा? इज पैसिव वॉइस में हमेशा क्या यूज होती है? वी की थर्ड फॉर्म, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। रिगार्डेड एज एन इम्पोस्टर, ठीक है, अभी ये भी सही है सारे। अच्छा, यहाँ देखेंगे, यहाँ ओ आर, यहाँ ई आर, यहाँ ई आर। ठीक है, एज एन इम्पोस्टर, आगे लिखा हुआ एंड कॉल्ड हिम ए विलेन। अब यहाँ क्या है, इसके बाद देखेंगे, इसके बाद क्या है? इम्पोस्टर एंड हैड बीन कॉल्ड ए विलन। ये जो हैड बीन यूज हुआ है, ये देखिए आगे देखें, ये तो आपको लगता है ही वॉज रिगार्डेड एज एन इम्पोस्टर एंड वॉज कॉल्ड विलन। क्या है? कॉल्ड अप वी टू यूज है, यहाँ विलन कहा गया है, तो यहाँ वो वॉज कॉल्ड क्या कहा गया है? विलन। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ देखो, यहाँ इज लगा हुआ है, इस वजह से गलत। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करें, तो आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है वाई डिड ही डिप्राइव यू ऑफ योर मेंबरशिप। चलिए अब यहाँ बात करें तो यहाँ क्या है? ये है आपका एक्टिव, और हमको जाना है अब पैसिव की तरफ। हमको जाना है, पहला जो आपका जो पहला जो क्वेश्चन था उसमें आपको सीधा पैसिव दिया था, बट अभी क्या, अभी ये वाला एक्टिव है। ठीक, एक्टिव सबको हमको जाना है पैसिव में। वाई डिड ही डिप्राइव यू ऑफ योर मेंबरशिप। देखिए वी टू है यहाँ, मतलब वॉज यूज करेंगे आप। पहले ये देखिए, पहले वॉज कहाँ कहाँ है। मतलब वॉज जो वर्ब, अब देखें तो यहाँ आर, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? ये गलत हो जाता है क्योंकि आर तो आ ही नहीं सकता, एक ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करें तो दूसरे ऑप्शन में क्या है कि ही डिप्राइव्ड, यहाँ कोई वॉज वर्ब का कोई लेन वो है ही नहीं, मैटर ख़त्म ही कर दिया दूसरा ऑप्शन, क्योंकि वॉज वर्ब का आना जरूरी है, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ है वी टू आपका। अगर ये कंटिन्यूटी में होता तो आप फिर भी वॉज वर्ब के साथ बींग यूज करते। चलिए ये गलत हुआ आपका ऑप्शन भी। अब दो ऑप्शन बचते हैं, सी और डी। इन सी और डी में देखते हैं,
वाई वॉज योर मेंबरशिप डिप्राइव्ड ऑफ यू बाय हिम। अब ये वाला पढ़ें तो यू डिप्राइव्ड ऑफ योर मेंबरशिप बाय हिम, किसने डिप्राइव किया है? ही ने। तो यहाँ क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कहाँ जाता है? उधर ऑब्जेक्ट की तरफ। ये हिम है, ये भी ठीक है। ठीक है, डिप्राइव क्या हुआ है? डिप्राइव हुई है मेंबरशिप किसकी? योर की, यू के साथ। तो वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ योर मेंबरशिप बाय हिम? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ होगा डी सही। ठीक है, या डिप्राइव्ड ऑफ यू है, क्या है? डिप्राइव्ड ऑफ यू का मतलब है कि आपने डिप्राइव किसको किया है? यू को, इस वजह से गलत है। तो यहाँ होगा यू डिप्राइव्ड ऑफ योर मेंबरशिप बाय हिम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे देखेंगे आगे सेंटेंस कौन सा पूछ गया, एक्टिव है या पैसिव है। ठीक है, आगे है कि म्यूजिक शुड बी टॉट इन एवरी स्कूल, कौन सा होगा? एक्टिव है या पैसिव है? तो ये है आपका पैसिव। क्या है? पैसिव। अभी बताया था कि आपको क्या देखना है कि या तो इज एम आर वॉच वर्ब हो या बी की फॉर्म हो। तो यहाँ क्या है, बी है, बी के साथ आप वी थर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि मॉडल के साथ आप क्या यूज करते हैं, सीधा बी यूज करते हैं। चलिए, तो ये आपका ये पैसिव हुआ। पैसिव से आपको एक्टिव की तरफ जाना है। एक्टिव में क्या है कि म्यूजिक शुड बी टॉट इन एवरी स्कूल, क्या है कि म्यूजिक को हर स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट आपने दे ही लिखा, ठीक है, शुड आपने मॉडल यूज किया, ठीक है, बी टीचिंग जो आपका बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि बी के साथ कभी भी अगर आप सीधे सीधे टीचिंग कर रहे हैं तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो आई एन जी फॉर्म नहीं होगी, यूज ये दे शुड टीच, ठीक है, इसको देखेंगे। दे शुड टीच एवरी स्कूल ऑफ म्यूजिक, ये भी ऑप्शन आपका गलत। आगे देखें तो आगे लिखा हुआ है दे शुड बी टॉट म्यूजिक इन एवरी स्कूल, और अच्छा दोनों ही सारे सेम है। दे शुड बी टॉट म्यूजिक इन एवरी स्कूल, ये दोनों ही आपके सेम है। ठीक है, ऑप्शन सेम हो चुके हैं, कोई नहीं। चलिए, तो यहाँ आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ सी और डी में से एक से होगा। ठीक है, चलिए इसमें मिस्टेक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे चलिए आगे लिखा हुआ है ही मेड द चिल्ड्रन वर्क हार्ड, ही मेड द चिल्ड्रन वर्क हार्ड, ये क्या है आपका? ये है आपका एक्टिव और आपको जाना है पैसिव की तरफ। ठीक है, तो पैसिव की तरफ देखते हैं, तो पैसिव में आपको क्या आएगा, द चिल्ड्रन मेड हिम वर्क हार्ड, या द ही वॉज मेड टू वर्क हार्ड बाय द चिल्ड्रन, या द चिल्ड्रन वर मेड वर्क हार्ड, या आपका द चिल्ड्रन वर मेड टू वर्क हार्ड, कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा बताइए। अगर हम बात करें यहाँ तो ही मेड द चिल्ड्रन वर्क हार्ड, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट रहा है ये आपका क्या होगा, सब्जेक्ट रहा होगा, क्या रहा होगा, सब्जेक्ट रहा होगा। तो द चिल्ड्रन तीन ऑप्शन है, बी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है, बी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ ही लिखा हुआ है। बट जब को हम की क्लियर में दिया हुआ है द चिल्ड्रन, तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा, द चिल्ड्रन। अब मेड वर्क हार्ड क्या किया है, मेड वर्क हार्ड, तो आप यहाँ वी टू है और वी टू के साथ आप करते हैं यूज वॉज और वर, तो यहाँ चिल्ड्रन मेड है ना, यहाँ वॉज है ना वर है, तो इस वजह से ये आपका ए गलत होता है। सी और डी देखें तो सी में वर है, ठीक है, वी टू के साथ आप वॉज या वर यूज करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू प्लूरल सब्जेक्ट हम वर यूज करेंगे। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, ठीक है। अब यहाँ देखें तो मेड क्या 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 वर्क हार्ड है, तो वर्क हार्ड के लिए क्या यूज करेंगे आप, टू मेड टू वर्क हार्ड। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं,
अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस देखते हैं कि द पिक द फ्लावर्स फ्रेश एवरी मॉर्निंग। दे पिक द फ्लावर्स फ्लैश फ्रेश एवरी मॉर्निंग, वो क्या करते हैं कि रोज़ ताजे ताज़े फूल तोड़ते हैं। तो यहाँ आपका ये क्या है, एक्टिव, और हमको चाहिए अब पैसिव। ऑप्शन में आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है पैसिव। देखिए द पिक द फ्लावर्स फ्रेश एवरी मॉर्निंग, उसको क्या चाहिए, क्या तोड़ रहे हैं वो, फ्लावर्स को तोड़ रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, फ्लावर्स है, तो ऑब्जेक्ट को हम इधर सब्जेक्ट की तरफ लाएंगे तो द फ्लावर्स सा ही रहेगा, क्या रहेगा द फ्लावर्स। यहाँ द पिक्ड फ्लावर्स है क्योंकि वर्ब है, इसलिए गलत है आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखें द फ्रेश फ्लावर्स, द फ्लावर्स ठीक है। अब यहाँ फ्लावर्स भी कैसे हैं, फ्रेश ठीक है। अब द फ्लावर्स आर, यहाँ भी आर है, द फ्रेश फ्लावर्स आर पिक्ड, देखिए यहाँ फ्रेश फ्लावर्स, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ये भी गलत होता है क्योंकि यहाँ फ्रेश एवरी मॉर्निंग है, द पिक द फ्लावर्स फ्रेश एवरी मॉर्निंग ठीक है। तो यहाँ आपका सी गलत होता है, आपके ऑप्शन बचे ए और डी। तो यहाँ देखें तो द फ्लावर्स आर पिक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक है, और यहाँ देखें तो यहाँ आपका जो है आर फ्रेश एंड पिक्ड, इस वजह से आपका ये गलत होता है। ऑप्शन नंबर यह है, ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही होगा। यहाँ लिखा है कि द फ्लावर्स आर पिक्ड फ्रेश, पिक्ड कैसे हो रहे हैं, फ्रेश हैं एवरी मॉर्निंग बाय, किसके द्वारा, बाय दे, और दे के लिए आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे देम ठीक है। ऑब्जेक्ट से इस दर जो सब्जेक्ट होता है इसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो दे के लिए आप ऑब्जेक्ट यूज करते हैं देम ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही रहा। आगे देखते हैं, चलिए अब आगे मुझे आप बताएंगे आगे ये जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है ये आपका एक्टिव है या पैसिव है, आपका ये एक्टिव है या पैसिव है। एवरीवन लुक्ड अप टू हिम, क्या है, एक्टिव है या पैसिव है, ये है आपका एक्टिव। यहाँ जो आपको गिवन है वो है आपका एक्टिव, और हमको जाना है पैसिव की तरफ। चलिए तो आपके पास ऑप्शन चार है, एवरीवन लुक्ड अप टू हिम, कि ऑब्जेक्ट क्या है आपका, यहाँ हिम ऑब्जेक्ट, इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट ही, तो ही से शुरुआत होगी सेंटेंस की ठीक है। यहाँ एवरीवन लुक्ड है, वी टू यूज़ किया, वी टू के साथ हम वॉज वर यूज करते हैं, तो ही के साथ आप वॉज यूज करते हैं। दो ऑप्शन आपके मिलते हैं सी और डी, बाकी के ये दो गलत आपके ए और बी ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है लुक्ड वर्ब यूज हुआ, और लुक्ड के लिए आप थर्ड फॉर्म क्या हो जाए, लुक्ड के लिए थर्ड फॉर्म भी आप क्या यूज करते हैं, लुक्ड, तो आपका लुक्स है, इस वजह से डी गलत। ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर यहाँ सी। तो आपने क्रॉस चेक कर करके क्या आंसर को सही लिया, ही इज लुक्ड, ही लुक्स अप, देखिए यहाँ इज की वजह से गलत हुआ, यहाँ ही लुक्स यूज किया इन्होंने, क्योंकि यहाँ इन्होंने सीधा सेंटेंस बनाया वो भी एक्टिव में, इस वजह से गलत हुआ। या ही वॉज लुक्स, इन्होंने क्या है कि वर्ब में एस या ई एस को जोड़ा है, जबकि वर्ब में आपकी फिफ्थ फॉर्म यूज होती है, वर्ब में आपकी थर्ड फॉर्म यूज होती है, ये गलत हुआ इस वजह से। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होता है, तो ही वॉज लुक्ड अप टू बाय एवरी वन ठीक है। तो आपका ये जो सब्जेक्ट है एवरी वन, इधर ऑब्जेक्ट में जाएगा तो सेम रहेगा एवरी वन। चलिए आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं, अगला सेंटेंस भी देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है कि विल ही गिव अस द की, विल ही गिव अस द की, क्या वो हमको चाबी देगा। तो यहाँ आप पूछ रहे हैं तो यहाँ आपका क्या है, एक्टिव है या पैसिव है। चलिए ये है आपका क्या, क्या है आपका, जल्दी से बताइए, ये है आपका एक्टिव ठीक है। चलिए हम पैसिव की बात करते हैं, तो यहाँ पैसिव क्या होगा, पैसिव क्या होगा, ये है आपका मॉडल, और मॉडल के साथ आप क्या यूज करते हैं, सीधा बी यूज करते हैं, मॉडल के साथ आप बी यूज करते हैं। जैसे अभी लास्ट पढ़ाता है, लास्ट आपने शुड का आया था, तो शुड के साथ हम क्या लिख रहे थे, उसमें लिखा हुआ था कि शुड बी, क्योंकि हम मॉडल के साथ क्या यूज करते हैं, सीधा बी ठीक है। चलिए अब मुझे यहाँ बताएंगे आप कि विल ही गिव द की, यहाँ क्या आएगा, अगर यहाँ देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर आठ में यहाँ आपका विल है
क्वेश्चन मार्क होने चाहिए, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जो आपका मॉडल है तो विल से स्टार्ट कर रहे हैं, विल विल। डी आपका वुड है, क्या है वुड, इस वजह से गलत है। क्या ये रिपोर्टेड स्पीच थोड़ी नहीं है जिसको हम विल के लिए वुड कर देंगे। सब पढ़ते हैं ना कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या जो है कैन का कुड कर देते हैं, मे का माइट कर देते हैं, तो यहाँ ये थोड़ी नहीं होगा कि विल का वुड कर देते हैं। इस वजह से डी ऑप्शन गलत हुआ। अब तीन ऑप्शन बचे, इसमें आप देखेंगे। हाँ, विल बी द की गिवन, ये बी यहाँ नहीं होगा। बी क्या होगा कि विल के बाद आप क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। तो विल क्या है कि विल ही गिवन क्या देगा, वो की को देगा, तो द की आएगा। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ द की, उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, विल द की, ये दोनों सेम है। इसके बाद आप यूज करेंगे बी, बी और गिव की थर्ड, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, ठीक है। और ये क्या है, अस, क्या है, गिवन टू अस, किसके द्वारा, ही के द्वारा, बाय हिम। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सही होगा बी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होगा। आसान है, बस आपको यही देखना है कि आप पहला आपका कि एक्टिव है या पैसिव है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि आपको पहले यही देखना होता है कि पहले यह सेंटेंस एक्टिव हुआ है या पैसिव दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखें, अब आगे हम बात करेंगे। चलिए आगे, वी कैन नॉट अलाउ देम टू रन अवे। यहाँ ये सेम सिंपल क्या रहेगा, आपका एक्टिव है या पैसिव है, बताइए एक्टिव है या ये पैसिव है। अगर हम बात करें सेंटेंस की तो ये आपका क्या है, एक्टिव, ए फॉर एक्टिव है, हमको चाहिए पी फॉर पैसिव। पैसिव की बात करें तो यहाँ क्या हुआ, कैन नॉट, और कैन नॉट यानी कि मॉडल है, और मॉडल के साथ आप क्या यूज करेंगे, सीधा बी यूज करते हैं। तो यहाँ कैन नॉट की जगह क्या नहीं हो सकता, जो आप चेंज करते हैं, कुड नॉट, वुड नॉट, शुड नॉट, जो आप में इतना सारा कुछ दिया हुआ है, वुड शुड कुड, मतलब तीनों ये आपके ऑप्शन कैसे हैं, बहुत ही इजी हो गया ना। अब कैन नॉट को हम कभी चेंज कर ही नहीं सकते कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो है नहीं, क्या एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आप चेंज नहीं करते कैन नॉट को, तो कैन नॉट को कैन नॉट ही रहना था, बट यहाँ वुड हुआ या शुड हुआ या कुड हुआ, तीनों ऑप्शन गलत हो गए। तो लास्ट ऑप्शन तो यही बचा ना, तो एसएससी कभी भी एसएसबी देती हैं, बिल्कुल बहुत सिंपल। बस सोचना आपको ये है, आप कन्फ्यूज कहाँ होते हैं, आपको ध्यान में ये होता है क्या, क्योंकि आपको रिपोर्टेड स्पीच भी रटे हुए होते हैं, तो आपने सोचा कि कैन नॉट दिया हुआ है तो कैन नॉट की वजह से ये कुड हो गया, नहीं चेंज होता नहीं है कभी भी, ये कैन नॉट ही रहेगा। तो यहाँ क्या होगा, देम आपका ऑब्जेक्ट रहा होगा, तो ऑब्जेक्ट को हमने इधर कन्वर्ट किया तो इसे दे यूज हुआ, यहाँ दे कैन नॉट, कैन नॉट, इसके बाद बी यूज करते हैं मॉडल के साथ, बी वर्ब क्या है, अलाउ की थर्ड फॉर्म अलाउड, किस के लिए, टू रन अवे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, आगे लिखा हुआ कि ए मैसिव सर्च ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द आर्मी टू नैब द टेररिस्ट। चलिए यहाँ सबसे सिंपल आपको देखना है कि है क्या, पैसिव है या एक्टिव है। देखिए ये है आपका पैसिव, क्या है, पैसिव। अब इस पैसिव में बात करें तो इस पैसिव में आपको कि सर आपको पता कैसे चली, अब मुझे पता क्या चलनी है कि पहला कि हैज, और हैज के साथ आप बीन यूज कर रहे हैं, और थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, और बाय द आर्मी, सेंस लगा सकते हैं कि आप ये किस वजह से आपका पैसिव। अब इसको एक्टिव बनाएं तो किसके द्वारा, बाय द आर्मी है, क्या है बाय द, मतलब ये क्या है आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है, और वहाँ क्या रहा होगा उधर एक्टिव में, ये आपका सब्जेक्ट रहा होगा, तो आपका सब्जेक्ट किससे स्टार्ट होना चाहिए, द आर्मी। बट यहाँ मैसिव सर्च ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड द आर्मी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, डी ऑप्शन गलत है, ठीक है। आर्मी नहीं तो लॉन्च किया था, लॉन्च्ड बाय द आर्मी, किसके द्वारा लॉन्च हुआ है, आर्मी के द्वारा, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपके इधर सब्जेक्ट में आएगा, तो आर्मी रहा। इसके बाद आपने हैज देखा है,
हैज का मतलब है कि ये कहाँ रहा हुआ, ये हैज में ही रहा होगा, हैड नहीं हो सकता और नहीं ये बी टू यूज हो सकती, क्योंकि हैज आपका बीन आता है, क्योंकि हैज के साथ आप क्या यूज करते हैं, बीन पैसिव में। ठीक है, तो आर्मी हैज लॉन्च्ड, ये इस वजह से गलत हो गया, ये वी टू सीधा वी टू लिखा है, वी टू लिखा है इस वजह से गलत हो गया। क्या है वी टू यूज, क्योंकि यहाँ हैज है तो हैज की वजह से यहाँ हैज रहा होगा, हैड हम रख रख नहीं सकते, वी टू यूज किया इसलिए गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर है बी सही है, द आर्मी हैज लॉन्च्ड अ मैसिव सर्च ऑपरेशन, किसके लिए, टू नैप द टेररिस्ट। ठीक है चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखा वर ऑल फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड बाय यू, वर और फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड बाय यू, क्या है एक्टिव या पैसिव, क्या होगा ये एक्टिव या पैसिव, ये है आपका पैसिव। आपकी बार क्या है, आपकी बार फिर से क्या है पैसिव, एक्टिव की तरफ चलते हैं, वी आर ऑल सॉरी वर ऑल फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड बाय यू, ये यू जो है ये क्या रहा होगा, ये आपका सब्जेक्ट रहा होगा एक्टिव में, किसके द्वारा कंप्लीट कर ली जाए गई गई थी फॉर्मेलिटीज, यू के द्वारा, तो यू क्या रहा होगा आपका, क्या रहा होगा सब्जेक्ट रहा होगा, यू देखिए सब्जेक्ट है सब्जेक्ट है सब्जेक्ट है सब्जेक्ट है, चलो इसमें तो कुछ ऐसा क्रॉस करने वाला नहीं मिला। ठीक है चारों भी सब्जेक्ट हो गया, अब देखते हैं जो वर लिखा हुआ है वर किस वजह से आया होगा, मतलब ये वी टू रहा होगा और वी टू में आपका क्या होता है, वी टू में आप पढ़ते हैं डिड, क्वेश्चन वर्ड में जब इंटरोगेटिव पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं डिड पढ़ते हैं, उसके लिए क्या डिड है कहीं, ऑप्शन नंबर बी हैव विल हैव, तीनों ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही है। देखो मैंने कितने आसानी से ना इतना कुछ ना भी पढ़ने से, बस मैंने क्या दिखा है, बस अभी मैं ये चेक कर रहा हूँ कि टाइमिंग वर्ड जो है, टाइम वर्ड जो है वो वर्ग की वजह से आप डिड यूज करते हैं, डिड सिर्फ यहाँ है क्योंकि ये आपका इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव में डिड आना आना चाहिए शुरुआत में, यहाँ है बट यहाँ हैव है, यहाँ विल है, यहाँ हैव है, इस वजह से ये तीनों गलत हुए, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे प्रैक्टिस करते हैं और आगे बताइए मुझे आगे कौन सा है, एक्टिव है या पैसिव है, माई आर्ट टीचर आस्क्ड मी वेदर आई हैड अटेंडेड हर क्लासेस, क्या रहेगा एक्टिव या पैसिव, माई आर्ट टीचर आस्क्ड, मेरी टी आर्ट टीचर जो उन्होंने पूछा वेदर आई हैड अटेंडेड हर क्लास, क्या उसने मेरी क्लास करी या नहीं करी, क्या है एक्टिव रहा होगा या पैसिव रहा होगा, देखिए ये है आपका ए फॉर एक्टिव, क्या है ए फॉर एक्टिव है और बी हमको चाहिए बी फॉर पैसिव, माई आर्ट टीचर आस्क्ड मी, पहले यहाँ तक देखते हैं, माई टीचर आस्क्ड मी, मेरी टीचर ने मुझसे पूछा, तो आई वॉज आस्क्ड बाय माई टीचर होता है, तो आई वॉज आस्क्ड कौन सा ऑप्शन है, यहाँ ऑप्शन आई वॉज आस्क्ड एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सॉरी यहाँ बींग हो गया, बट बींग क्या होता है, बींग होता है आपका कंटिन्यूटी में, मतलब कंटिन्यूस फॉर्म होनी चाहिए, कंटिन्यूस फॉर्म नहीं है, आप वी टू यूज कर रहे हैं और वी टू की वजह से आप बींग यूज नहीं कर सकते, गलत बी ऑप्शन, माई आर्ट टीचर आस्क मी गलत, माई आर्ट टीचर वॉज आस्किंग मी गलत, क्यों रीजन क्या रहा गलत करने का, माई आर्ट टीचर आस्क मी कौन सी पैसिव वॉइस कहती है कि वी फर्स्ट सॉरी वी फिफ्थ यूज करो, वी थर्ड के लिए तो कहती है पैसिव वॉइस के हमेशा वी थर्ड यूज करो, आस्क की वजह से आस्किंग कौन कहता है कि आस्किंग यूज करो, वी फोर्थ किसने बोला, इस वजह से दोनों गलत, डी आपका किस वजह से गलत, बींग की वजह से गलत, सी आपका सी की वजह आस्क की वजह से गलत, ऑप्शन कौन सा बी सही है, पूरा भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ कि मैं आप यही आंसर बता रहे हैं क्यों, क्योंकि आप बस यहाँ देख रहे हैं वी थर्ड वी फोर्थ वी फिफ्थ इनकी वजह से आप बता पा रहे हैं। ठीक है तो यहाँ क्या रहेगा, आई वॉज आस्क्ड बाय माई आर्ट टीचर वेदर आई हैड अटेंडेड हर क्लासेस,
सिंपल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है माई बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड बाय माई कलीग्स एट द ऑफिस टुडे। चलिए क्या है ये? पैसिव। क्या है? पैसिव। आपका बर्थडे मनाया गया है किसके द्वारा? माई कलीग्स एट द ऑफिस। कहाँ मनाया गया है? ऑफिस में। कब? आज। पैसिव। एक्टिव की तरफ चलते हैं। एक्टिव क्या है? माई कलीग सेलिब्रेटेड माई बर्थडे एट द ऑफिस टुडे। कि माई कलीग्स हैव सेलिब्रेटेड। देखिए ये है वॉज सेलिब्रेटेड, मतलब ये है वी टू। वॉज आप यूज करते हैं डिड, मतलब वी टू के साथ। ये सेलिब्रेटेड थर्ड फॉर्म, वी टू कौन सा होगा, मतलब जहाँ डिड यूज करते हैं। तो देखिए वी टू कौन सा हैव, विल, आर, क्योंकि हमें एक्टिव में चाहिए ना, और एक्टिव में विल, आर, हैव, इनकी वजह से यहाँ होना तो चाहिए था वी टू। वी टू कहाँ है? सेलिब्रेटेड। बस कहाँ है? सिर्फ सेलिब्रेटेड में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। सिंपल, पूरा सेंटेंस एक ही बार में क्लियर, वी टू की वजह से। बस ये वी टू आया और इनकी जगह हैव, विल, आर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखा है आई रिग्रेट द वे आई ट्रीटेड यू। जैसे मैंने बर्ताव किया मैं उसके लिए क्या हूँ? रिग्रेट फील कर रहा हूँ। आई रिग्रेट द वे आई ट्रीटेड यू। कैसे? क्या है? एक्टिव या पैसिव? क्या होगा बताइए? बेटा ये आपका क्या है? ए फॉर एक्टिव, और एक्टिव से हमको जाना है पैसिव की तरफ। चलिए आई रिग्रेट द वे आई ट्रीटेड यू। आई रिग्रेट द वे, पहले ये देखते हैं। आई रिग्रेट द वे सेम रहेगा। आई रिग्रेट द वे, आई रिग्रेट द वे, आई रिग्रेट द वे, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद आई ट्रीटेड यू। ये आपका यू आपका ऑब्जेक्ट है, इसको हमको जाना है सब्जेक्ट की तरफ। यू होना चाहिए, आई आ चुका है, गलत, यू होना चाहिए। ये तीनों अभी तक सही हैं। अब ट्रीटेड वी टू है, वी टू के साथ आप यूज करते हैं वॉज वर, और वॉज वर आप यू के अकॉर्डिंग वर यूज करेंगे, वर वर। आपका सी गलत हो गया, ट्रीटेड हो गया, सी गलत। दो ऑप्शन बचे, वर वर। ये वी टू है, बींग यूज नहीं कर सकते क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, कंटिन्यूस फॉर्म में होता तो देखते। ये डी गलत, ऑप्शन आपका बी सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते, आगे लिखा हुआ है द नॉवल्स ऑफ द टॉलस्टॉय इंटरेस्ट मी। अगर यहाँ बात करें द नॉवल्स ऑफ टॉलस्टॉय इंटरेस्ट मी, क्या है? एक्टिव रहेगा या पैसिव रहेगा? एक्टिव जाना मैं पैसिव की तरफ है। तो द नॉवल्स ऑफ टॉलस्टॉय इंटरेस्ट में, किसको इंटरेस्ट में करते हैं? आपको मी। आपका ये क्या है? ऑब्जेक्ट। इधर जाएंगे तो आप सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, तो आय होना जरूरी है। तो आय है आपका, चार ऑप्शंस हैं। क्या है आपके पास? चार ऑप्शंस हैं। चलिए तो आगे देखेंगे, आगे क्या है कि आपका नॉवल्स ऑफ टॉलस्टॉय इंटरेस्ट मी, तो यहाँ आपका ये क्या है? प्रेजेंट। क्या है? प्रेजेंट है। प्रेजेंट में आप आई के साथ क्या यूज करते हैं? एम, क्योंकि ये पैसिव है, हम पैसिव की तरफ जाएंगे। पैसिव आपके साथ तीन में एम है, डी गलत हो गया, वॉज है। इंटरेस्टेड थर्ड फॉर्म यूज करेंगे इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड तीनों ठीक है। बाय द नॉवल्स, इन द नॉवल्स, इन द टॉलस्टॉय ऑफ द नॉवल्स, इनमें से कौन सा सही हुआ? इनमें से कौन सा सही हुआ? यहाँ देखेंगे तो यहाँ होगा आई एम इंटरेस्टेड किस में है? नॉवल्स में। किसका नॉवल्स है? टॉलस्टॉय का। तो क्या है? इन द नॉवल्स ऑफ टॉलस्टॉय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ सी। सेम हो गए इन, हाँ ये गलत होगा ना, इसमें टॉलस्टॉय ऑफ द नॉवल्स है, जो नॉवल्स है वो टॉलस्टॉय का है, तो नॉवल्स ऑफ टॉलस्टॉय ना कि टॉलस्टॉय ऑफ द नॉवल्स, ये इस वजह से गलत होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हुआ,
चलिए आगे देखेंगे अगला सेंटेंस। अगला लिखा अ बिग क्राउड चेज्ड हिम, इसके बाद लिखा हुआ कि लेटर द पुलिस अरेस्टेड हिम। क्या ये एक्टिव रहा होगा या पैसिव? बोलिए क्या रहा होगा। अ बिग क्राउड चेज्ड हिम एंड लेटर द पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने अरेस्ट किया है। अ बिग क्राउड चेज्ड हिम क्या है? ये है आपका एक्टिव और हमको जाना है पैसिव की तरफ। पहले ये देखते हैं कि अ बिग क्राउड चेज्ड हिम किसको किया गया है, हिम को, एंड लेटर द पुलिस अरेस्टेड हिम किसको, हिम को अरेस्ट किया है। तो आपका ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम का ऑब्जेक्ट से हम सब्जेक्ट पर जाते हैं तो आपका ही होना चाहिए, ही चार ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ वी टू यूज किया गया है, यहाँ भी वी टू यूज हुआ है, आप क्या यूज करेंगे, वॉज या वर्ब, ठीक है। चार ऑप्शन अभी तक हैं। वर्ब देखते हैं चेज्ड आपकी थर्ड फॉर्म, ठीक है। किसके द्वारा? अ बिग क्राउड, किसने किया चेज उसको, क्राउड ने, तो अ बिग क्राउड बिल्कुल ठीक है। एंड यहाँ तक अभी चारों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। अब आगे देखते हैं एंड लेटर वॉज लेटर, यहाँ अलग हो गया डी सी तक तीनों सी थी, यहाँ आपका ऑप्शन में क्या आ जाता है, यहाँ आपका आ जाता है वॉज लेटर। यहाँ लेटर अरेस्टेड बाय द पुलिस, लेटर अरेस्ट बाय द पुलिस, लेटर द पुलिस अरेस्टेड हिम, यहाँ द पुलिस अरेस्टेड हिम वॉज लेटर अरेस्टेड बाय द पुलिस, मतलब ही वॉज लेटर अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही होगा, ठीक है। चलिए यहाँ डी, ये वॉज लेटर इस वजह से है क्योंकि आपका ही यहाँ से आया ना, क्योंकि ही का सेंस यहाँ से बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है बॉयल द वाटर एंड कूल इट बिफोर यू कीप इट इन द फ्रिज। क्या है ये? आपसे कहा गया है पहले बॉयल करना है वाटर को, फिर कूल करना है क्यों फ्रिज में रखने से पहले, एक्टिव। चलिए चलते हैं पैसिव की तरफ, क्या करना है आपको, किसको रखना है, बॉयल द वाटर पानी गर्म करना है, कूल इट बिफोर यू कीप इट इन द फ्रिज किसको रखना है, यू को। पहले क्या करना है, पहले करना है आपको बॉयल करना है वाटर को, तो बॉयल होने देना है, तो पहले करना है बॉयल द वाटर, तो लेट द वाटर बी बॉइल्ड सब में ऑप्शंस में है, ठीक है। तो यहाँ तक तो अभी तक सब पूरा सही है। चलिए अब बात करते हैं एंड कूल्ड इट बिफोर, देखिए लेट द वाटर बी कूल्ड, लेट द वाटर बी बॉइल्ड, अभी तक तीनों सही हैं। इसके बाद अब देखेंगे एंड लिखा हमने, ठीक है, कूल इट बिफोर, देखिए एंड कूल्ड बिफोर इट, इट जो आपने यहाँ यूज किया है, कूल इट बिफोर किसको करना है, इट को, इट आप यहाँ यूज करेंगे सब्जेक्ट में, इट इज कैप्ट, यहाँ सब्जेक्ट में इट इज कैप्ट इन द फ्रिज, ठीक है। अब यहाँ गलत क्या है, क्या है यहाँ गलत कौन सा है, यहाँ आपका जो सही तो यही है कि इट इज कैप्ट इन द फ्रिज, बिल्कुल सही है, इट इज कैप्ट इन द फ्रिज बाय यू, ये भी सही है, किसके द्वारा लिख कराया जा रहा है, यू कीप इट इन द फ्रिज। आप आगे लिखा हुआ है लेट द बॉइल्ड बी बॉइल्ड बाय यू एंड कूल्ड बाय यू बिफोर इट इज कीप्ड इन द फ्रिज, लेट द वाटर बी बॉइल्ड कूल्ड एंड कीप्ड इन द फ्रिज। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका सही होगा ए, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखो द ड्राइवर्स कंसिडर्ड द स्पीड ब्रेकर्स अ मेक टू स्मूथ ड्राइविंग, क्या ये, द ड्राइवर कंसिडर्ड द स्पीड ब्रेकर्स एंड टू मेक टू स्मूथ ड्राइविंग, ये आपका क्या है, ये है आपका ए फॉर एक्टिव,
और हमको जाना है पैसिव की तरफ। पैसिव की तरफ देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है द ड्राइवर कंसिडर्ड द स्पीड ब्रेकर्स अमेंडमेंट टू स्मूथ ड्राइविंग। क्या किया गया है, किसको किया गया है, द स्पीड ब्रेकर्स। ऑब्जेक्ट क्या है, कंसिडर्ड द स्पीड ब्रेकर, कंसिडर्ड किसको किया गया है, स्पीड ब्रेकर्स को। तो यहाँ आपका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लेके जाते हैं तो द स्पीड ब्रेकर्स, द स्पीड ब्रेकर्स या द ड्राइवर वर, क्या है, द ड्राइवर वर लिखा हुआ है, द ड्राइवर्स वर कंसिडर्ड, जो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ड्राइवर्स ने ऑलरेडी आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो आपका ऑब्जेक्ट की तरफ में जाता है, तो यह स्पीड ब्रेकर्स बनेगा। तो द स्पीड ब्रेकर्स वर कंसिडर्ड किसके द्वारा होगा, ये हाँ ये जो बाय द ड्राइवर्स होगा ये लास्ट माना चाहिए, कंसिडर्ड अ मिनट टू स्मूथ ड्राइविंग बाय द ड्राइवर्स। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है पहला सही। ठीक है, और यहाँ जो दूसरा है अकॉर्डिंग टू द ड्राइवर्स स्मूथ ड्राइविंग टू अकॉर्डिंग टू द स्मूथ ड्राइवर्स, ये इस वजह से गलत होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है एवरी डिश विच हैड बीन कुक्ड बाय माय मदर्स मदर वॉज एप्रिशिएटेड बाय द गेस्ट्स। बहुत सिंपल, ये है आपका पैसिव। अभी आप जो पढ़ रहे हैं पूरे में, अभी आपने पूरी क्लास में कितना पढ़ा, पूरी क्लास में पढ़ा है कि आपने एक्टिव पैसिव, कभी एक्टिव कभी पैसिव, कभी एक्टिव कभी पैसिव, यही हो रहा है। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा है, यहाँ पढ़ा है हमने पैसिव। चलिए अब इसको हमने बनाना है क्या, एक्टिव, तो एक्टिव के लिए सब्जेक्ट क्या है आपका, यहाँ यहाँ तो आपका ऑब्जेक्ट इज बाय द गेस्ट, और गेस्ट की वजह से आप क्या बोलते हैं, ये आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो द गेस्ट, ये ठीक है मदर, क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है कि द मदर कुक्ड एवरी डिश विच द गेस्ट अप्रिशिएटेड, गलत, द गेस्ट अप्रिशिएटेड आएगा क्योंकि आपका यहाँ गेस्ट ने अप्रिशिएट किया, तो द गेस्ट अप्रिशिएटेड एवरी डिश विच हैड बीन कुक्ड, यहाँ लिखा है विच हैड बीन, ये गलत, विच वॉज कुक्ड, यहाँ मदर का कोई जिक्र नहीं क्योंकि यहाँ मदर भी है, द गेस्ट अप्रिशिएटेड एवरी डिश विच माई मदर हैड कुक्ड। देखिए हैड के साथ यहाँ हैड बीन जरूर यूज हो रहा होगा यहाँ, देखो ठीक है, तो आपका डी गलत हुआ, यहाँ विच वॉज कुक्ड जो पता ही नहीं चल रहा कि किसने पकाया है, द गेस्ट अप्रिशिएटेड एवरी डिश विच हैड बीन कुक्ड बाय माय मदर, ये आधा एक्टिव आधा पैसिव, इस वजह से जैसे गलत हुआ। यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ होता है सी सही, द गेस्ट अप्रिशिएटेड एवरी डिश विच माय मदर हैड कुक्ड, जो किसने बनाया, मेरी मम्मी ने बनाया था। ठीक है, चलिए तो क्लास होती है आपकी यहीं समाप्त। आई होप कि आपको प्रैक्टिस में सब कुछ समझ में आया होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान वही चीज़ रखनी है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको वही चीज़ याद रखनी है, एक्टिव या पैसिव। ठीक है, पूछा क्या गया है वो इम्पोर्टेंट होता है। चलिए तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, और प्रैक्टिस करते रहिए, एग्ज़ाम नज़दीक है, डेट भी आ चुकी है आपकी। ठीक है, चलिए धन्यवाद।